आदि देव शंकर। आज हम जा रहे हैं अपने क्षेत्र के एक बहुत ही फेमस मंदिर में, जो कि भगवान शिव का बहुत ही पौराणिक मंदिर है। उसका नाम है रुच्छ महादेव मंदिर। तो आज हम आपको वहां की सैर कराएंगे और आप भी यहां पर आइए, बहुत ही रमणीय स्थल है, हम आपको पूरे वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और भगवान शिव के दर्शन यहां पर करने हैं। इस मंदिर के बारे में जो भी पुरानी बातें हैं, जो पौराणिक तथ्य हैं, वो भी हम आपको बताएंगे वीडियो में। दोस्तों, अभी हम रास्ते पर पैदल चल रहे हैं और ये रास्ता, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पर लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता हमको पैदल तय करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना सुंदर व्यू है और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हमको लगभग कहाँ पर जाना है। तो ये जो है, देखिए सामने आपको दिख रहा है कि वो जो है हमको कहाँ जाना है। ये देखिए यहाँ पर नदी का संगम है, तो उस जगह पर अभी हमको जाना है। वो लगभग यहाँ से जो है 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो अभी हम वहाँ पर जाने वाले हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज है। आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए सामने, मेरे सामने क्या है, ये देखिए बहुत ही बड़ा झरना और बहुत ही सुंदर झरना आपको दिख रहा है। हमने यहाँ से जो है बहुत ही ठंडी हवा चल रही है और ये डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे पिजोरे मेरे। देखिए आप यहाँ पर एक पावर हाउस जो है बना हुआ है, ये जो है कालीगंगा सेकंड प्रोजेक्ट है और ये जो प्रोजेक्ट है इसकी जो अभी क्षमता है वो है 1.5 मेगावाट की जो बिजली है वो इस पर बनने वाली है। तो ये भी इसी धाम के नजदीक यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बन रहा है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे
होप कि आपको यहाँ पर भगवान शिव का जो ये पौराणिक मंदिर है ये काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो आप विज़िट कर सकते हैं। मैं इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है, जो इसका बात है, वो आपको पूरा बता दूंगा कि आपको कहाँ से आना है और आप इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो है सिद्धपीठ, जो कालीमठ है रुद्रप्रयाग जनपद में, उससे मात्र जो है 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और उसके बाद जो है 1 किलोमीटर का जो है पैदल रास्ता है, तो आप जो है आराम से यहाँ पर आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। कालीमठ तक तो आप लोग आते हैं कई लोग, लेकिन आगे नहीं आते हैं, तो आगे भी ये जो बहुत ही सुंदर और रमणीय स्थल है उसको आप देखें, इसको विज़िट करें और यहाँ पर भगवान के दर्शन करें और मोक्ष को प्राप्त करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें बहुत सारे लोगों के साथ, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे जो स्थल हैं वो छुपे हुए हैं जनता की नज़रों से, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है लोगों को। तो आप अधिक से अधिक इसको शेयर करें, और जब आप अधिक शेयर करेंगे तो लोगों को इसके बारे में पता चलेगा और फिर यहाँ पर जो है आप लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर आ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।